आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में कोरोना संक्रमित मरीजों को लाए जाने का विरोध कर रहे कांग्रेसियों ने इसे बीजेपी का एक बड़ा षड्यंत्र बताया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसियों ने बीजेपी के मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति को घेर लिया। इस दौरान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने विधायक के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि कृपया करके कोरोना संक्रमित मरीजों को यहां से वापस कराएं। कांग्रेस ने कहा कि हम रीवा को सुरक्षित रखने के लिए जिले के 8 विधायकों के सामने नमन करने को तैयार है, लेकिन कोरोना मरीजों को यहां से भगाया जाए। चाहे देव तालाब की जनता ने भी आपको चुना, मनगवा की जनता ने भी चुना, ये कोरोना मरीज को भगवा दीजिए, यहां से शिफ्ट करा दीजिए। निवेदन है चाहे रीवा की जनता, आप हाथ मत लगाइए, हम सोशल डिस्टेंसिंग में है, आप सोशल डिस्टेंसिंग में आप हाथ न लगाइए। आपका निवेदन है विधायक की, सत्ता सरकार के विधायक है आप, ये कोरोना मरीज जो रीवा का आया है इसे भेज दीजिए यहाँ से, हम हाथ जोड़ रहे हैं। कहिए तो आप सब 8 विधायकों के हम नमन करने के लिए तैयार हैं, रीवा की जनता के खातिर इन्हें भेज दीजिए।